आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ सातवा वृक्षों की महिमा। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। यह पूजा की तैयारी कर रही थी और यह देखकर उसकी बेटी गौरी ने पूछा कि माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? तो माँ ने कहा कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की पूजा की जाती है, दशा माता के व्रत में पीपल की पूजा की जाती है। ऐसे अनेकों पेड़ पौधे हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना है। पूजा की तैयारी करते करते माँ ने अपनी बेटी गौरी को बातों में बताया। फिर गौरी ने पूछा कि ऐसा क्यों करना चाहिए? तब माँ ने कहा कि जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं में भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो गौरी ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है। फिर गौरी का एक और प्रश्न था कि माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में मुझे कुछ विस्तार से बताओ ना कि अमृता देवी के बारे में क्या था। तब माँ ने कहा, फिर माँ ने कहा, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी, अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहाँ के रहने वाले विष्णु समाज के लोगों ने विरोध किया कि हम लकड़ियाँ काटने नहीं देंगे, लेकिन राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ी गांव के वृक्ष को बचाने गए। जैसे ही खेजड़ी गांव में सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया तो अमृता देवी विष्णुई पेड़ों से चिपक गई और कहा, मुझे काट कर ही तुम पेड़ों को काट पाओगे। गाँव वालों ने भी से चिपक गए और सैनिकों को मना किया, लेकिन राजा के सैनिक ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों ने बलिदान दिया और साथ में अमृता देवी विष्णु ने भी अपना बलिदान दिया। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। फिर गौरी ने कहा, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, ऐसा क्यों? फिर माँ ने कहा, पेड़ को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए फल फूल अनाज सब्जियाँ लकड़ियाँ औषधियाँ और ऑक्सीजन भी देते हैं। अब आप देखिए कि किस प्रकार से चिपको आंदोलन करके उन्होंने पेड़ को बचाने का प्रयास किया था। ये आप एक फोटो देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि चिपको आंदोलन पेड़ पौधों को बचाने का संदेश देती महिलाएं। अब आपको सोचकर बताना है कि आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्षित किया गया है। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। अब आप कहोगे, भाई हमारे आसपास तो पीपल है, नीम है, केला है, आंवला है आदि वृक्षों की पूजा की जाती है और हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है और जो वृक्ष हमें काटने नहीं देने उसके लिए हम क्या करेंगे, लोगों को संदेश भी देंगे भाई पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, फ्रूट छाया औषधियाँ लकड़ियाँ सब कुछ देते हैं और सबसे बड़ी बात तो हम जिनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमें पेड़ों द्वारा ही मिलती है। और हमारे आसपास हम पेड़ पौधे कब लगाएंगे, जब किसी महापुरुष का जन्मदिन हो या किसी विशेष जयंती हो उस अवसर पर हम पेड़ पौधे लगाएंगे। अब अपना आगे का टॉपिक है कि वन संपदा संरक्षण राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। भंवर और योगी राज मेला देखकर अगले दिन कक्षा कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। भंवर कहता है कि हमारे स्थानीय लोक देवताओं का मेला देखने में बहुत आनंद आया। मुझे तो मेरे प्रांगण में के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला है। योगीराज, ये चारागाह और ओरण किसे कहते हैं? भंवर, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियाँ और बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से
देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी सी कटाई नहीं होती है। योगीराज, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है? भंवर, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं और अधिक जानकारी के लिए हम गुरुजी से वार्तालाप करते हैं। फिर योगीराज गुरुजी से कहता है कि चारागाह और ओरण के बारे में हमारे को जानकारी दीजिए। तब गुरुजी कहते हैं कि देखो बच्चों, राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुषों के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। योगीराज कहते हैं इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। गुरुजी, हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर चारागह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। इसी कारण से वो भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। फिर योगीराज को वापस गुरुजी कहते हैं कि गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। शिक्षक कहता है, हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कही है आपने। गोचर और ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना की प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाया गया, इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया। फिर योगीराज कहते हैं, गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। शिक्षक कहता है, हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कही है आपने। गोचर और ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना की प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाया गया, इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया। फिर योगीराज कहते हैं, गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। आगे सोचिए और बताइए, आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि हमारे आसपास इस प्रकार की संरक्षित भूमि को ओरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जन चेतना थी? कि वृक्षों को काटने से बचाने के लिए प्राचीन काल से ही हमारे आसपास संत, साधु, महापुरुषों, देवी देवताओं के नाम से संरक्षित करते थे और वृक्षों की विभिन्न प्रकार से पूजा करके भी उनको संरक्षित करते थे। गोचर चारागाह के बारे में भी बताकर संरक्षित करते थे। आगे है कि अपने जन्मदिन या नए वर्ष अवसर पर कोई दिवस पर महत्वपूर्ण कार्य मनाते हैं, उस दिन पौधा लगाकर या बड़ा करने का संकल्प लेना चाहिए और उनकी पूर्ण देखभाल करें और इस प्रकार मिलकर वृक्षों की पूजा करते हैं और संरक्षित करते हैं और सुरक्षित रखते हैं। अब आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जंगल किसे कहते हैं। अब आप कहेंगे, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, रहते हैं, उसे जंगल कहते हैं और चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हो। अब अगला प्रश्न है कि अगर जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? अब सीधी सी बात है, वृक्षों की कमी होगी तो जाएगी फल, फ्रूट, सब्जियां, औषधियां, लकड़ी, ऑक्सीजन आदि चीज़ों की कमियां हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि नीचे तालिका में राजस्थान के अभ्यारण दिए गए हैं, उनके सामने उन जिलों के नाम हैं जहाँ वे स्थित हैं। राजस्थान का भी मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करो जहाँ ये अभ्यारण स्थित है। जैसे राजस्थान का ये मानचित्र है, इसके अंदर हमें सभी प्रकार के जिले बताए गए हैं। आगे अपना है सारणी बताई गई है कि अभ्यारण कहाँ कहाँ हैं और कौन से जिले में हैं। तो आप देखिए कि रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर में है। केरला देव राष्ट्रीय उद्यान
ये जो घना पक्षी विहार है ये दोनों कहाँ है, भरतपुर में है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ पर है, जैसलमेर बाड़मेर में है। और राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का कहाँ पर है, अलवर में है। अब हम अपना नया टॉपिक देखते हैं, खाद्य श्रृंखला। गौरी वनों में रहने वाले जीवों को खाना कौन खिलाता होगा, ये गौरी का प्रश्न है। तो माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे ये आगे वाले चित्र है, मूली गाजर का चित्र है, इसे कौन खाता है, ये खरगोश खाता है। और खरगोश को कौन खाता है, लोमड़ी खाता है। और लोमड़ी को कौन खाता है, शेर खाता है। इस प्रकार से एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला बनती है। अब आपको घर पर बैठे बैठे सूची बनानी है और बताना है कि कौन किसको खाता है। जैसे पौधे, हिरण, मुर्गी, बीज, चूहा, इनके जो ये भोजन है ये खाने वाले जीव का नाम बताना है। अब आगे के चित्र को देखकर बताओ कि कौन किसको खाता है। अब अपना वापस आ गया ये कि चील सांप को लेकर उड़ सकता है बाढ़ने के बाद, और सांप मेंढक को खाता है, और मेंढक टीडे को, और टीडा खेत को। कि पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जो एक दूसरे को खाकर जीवित रहते हैं, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। अब सोचिए और बताइए कि तोता क्या खाता है, गाय क्या खाती है, गिलहरी क्या खाती है, ये तो आप बता ही सकते हैं। और हमने इस पाठ में क्या सीखा है कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें हमें काटना नहीं चाहिए। और पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विशेष प्रकार की पूजा का महत्व बताया गया है। और हमने ये सीखा है कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमरता देवी ने अपना बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया, और साथ में अमरता देवी के साथ में 363 लोगों ने भी बलिदान दिया। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है और इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है। अब आगे कुछ प्रश्न के उत्तर है आपको करने हैं कि खाद्य श्रृंखला के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका आपको उदाहरण देकर समझाना है। अभयारण्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाना है। और चिपको आंदोलन के बारे में समझाना है। और पेड़ से होने वाले लाभों की सूची बनानी है। जय हिंद, जय भारत।